everyone. So this is Rakshita. So actually I'm going to start from class 8 science chapter number 13. So this is my first video which is I'm going to upload of science. Okay, so I'm starting from term 2 chapters. So here I'm going to start from this chapter. So the name for this chapter is sound, matlab awaaz. To इसमें मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं आवाज क्या होती है. तो यहाँ आप सबको पता ही होगा आवाज मतलब साउंड. ओके, सो लेट्स रीड आउट दिस पैराग्राफ. सो एक्चुअली वेट अ मिनट, इस चैप्टर की आई थिंक सो 4 or 5 वीडियोस मैं अपलोड करूंगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम रीडिंग बाय दिस पैराग्राफ. हाउ डू यू कम टू नो दैट अ पीरियड इज ओवर इन योर स्कूल. मतलब आपको कैसे पता चलता है अगर आपके स्कूल में कोई पीरियड ओवर हो गया है. ओके, कैसे पता चलेगा आपको, जब साउंड की आवाज आएगी, जब बेल बजेगी उसकी साउंड होगी तो आपको पता चल जाएगा कि पीरियड ओवर हो गया, नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट होगा. भी यू कम टू नो इजिली दैट समवन इज एट योर डोर व्हेन ही नॉक्स और यू हियर द साउंड ऑफ अ डोरबेल. मतलब आपको आसानी से पता चल जाता है अगर आपके घर पे कोई आया है. कैसे पता चलेगा, या वो नॉक करेगा, नॉक मतलब खटखटाएगा, या वो पर्सन डोरबेल बजाएगा. सो डोरबेल बजाएगा तो आपको उसकी साउंड आ जाएगी, आवाज आ जाएगी. ओके, सो देन मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन मेक आउट समवन इज अप्रोचिंग यू बाय जस्ट हियरिंग द फुटस्टेप्स. मतलब कभी कभी आपको पता चल जाएगा. कैसे पता चलेगा अगर कोई आ रहा है, एक तो आपको नॉक करेगा या डोरबेल बजाएगा, तीसरा ऑप्शन ये है कि आपको उसके फुटस्टेप्स की आवाज आएगी. फुटस्टेप्स मतलब जो उसके पैरों के कदमों की आवाज जब आती है वो होता है फुटस्टेप्स. ओके, सो अभी एक वेट अ मिनट, या सो यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है आपको, अप्रोचिंग. ठीक है, तो अप्रोचिंग मतलब क्या होता है, कमिंग, टू कम. ओके, ये अप्रोच वर्ड है, इसका मतलब है टू कम. या ओके, सो द नेक्स्ट इज यू माइट हैव प्लेड अ गेम कॉल्ड हाइड एंड सीक. ऑफकोर्स आपने ये गेम खेला होगा, हाइड एंड सीक मतलब छिपन छिपाई. In this game, a person is blindfolded and has to catch the remaining players. इसमें क्या होता है कि एक person क्या है, उसको blindfolded कर दिया जाता है. Blindfolded मतलब उसकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है and has to catch remaining players. और जो दूसरे बच्चे बाकी players हैं उसको पकड़ना रहता है. ठीक है, आंखों पर पट्टी बांध के दूसरे remaining players को पकड़ेगा. How is the blindfolded person able to guess which player is closest to her? इसका मतलब ये है कि जो blindfolded मतलब blindfolded person जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी है वो कैसे पता लगाएगा कि उसके आसपास कौन है, उसके दूर कौन है, उसके पास कौन है. तो कैसे पता लगाएगा, साउंड से. कैसे पता लगाएगा, आवाज से. ओके, सो देन नेक्स्ट हियर इज साउंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लाइफ. मतलब साउंड हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ठीक है, इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर. मतलब अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, किसके जरिए बात कर रही हूँ, एक तो साउंड की, साउंड के जरिए मैं आपसे बात कर सकती हूँ. कम्युनिकेट, कम्युनिकेट मतलब बात करना. ओके, कम्युनिकेट मीन्स बात करना. देन वी हियर अ वेराइटी ऑफ साउंड इन अ सराउंडिंग. हम अपने चारों तरफ, हम अपने एरिया में बहुत सारी मीन्स अ लॉट ऑफ वॉइस वी कैन हियर. मतलब बहुत सारी साउंड हम लोग सुन सकते हैं अपने अपने आजू बाजू के एरियाज में. ओके, देन हियर मेक अ लिस्ट ऑफ साउंड यू हियर इन योर सराउंडिंग. फिर आपको क्या एक वर्क दिया गया है यहाँ पे, आपको एक लिस्ट बनानी है साउंड की जो आप अपने एरिया में सुनते हो. लिस्ट बनानी है साउंड्स की. कैसे बनाओगे फिर आपको लिस्ट, जैसा मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, या जैसे जब आपकी मम्मी पूजा करती है तो आपकी मम्मी पूजा करते वक्त जो घंटी होती है, जो बेल होती है बजाती है बिल्कुल, तो उसकी साउंड आती है, वो लिख सकते हो. ओके, देन या जब अगर कहीं अगर आप गाना बजा रहे हो तो उसकी साउंड आप लिख सकते हो. अगर कहीं आपके आजू बाजू एरिया में कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा है, मतलब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो आप वो भी लिख सकते हो, क्योंकि मतलब जो ड्रिलिंग मशीन वगैरह उनसे जब खुदाई होती है तो उनकी साउंड भी आती है. ओके, देन इन द म्यूजिक रूम ऑफ योर स्कूल यू हियर द साउंड प्रोड्यूस बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक फ्लूट, तबला, हारमोनियम एक्सेट्रा. मतलब आपके स्कूल में जो म्यूजिक रूम होता है, ऑफकोर्स आप सब गए भी होंगे, किसी किसी की हॉबी होती है म्यूजिक. ओके, सो जो स्कूल में आपके म्यूजिक रूम होगा तो वहाँ पे आप मतलब बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखे रहते हैं, तो वहाँ पे यहाँ पे जैसे फ्लूट, तबला, हारमोनियम ये दिए हुए हैं. एंड यहाँ पे पिक्चर्स, या पिक्चर इज ऑल्सो गिवन फॉर दिस. लाइक यहाँ पे क्या दिया हमें, कुछ इंस्ट्रूमेंट दिए, जैसे ये हारमोनियम हो गया, ये हारमोनियम. ओके, देन ये दोनों तबला है. ओके, जो हम लोगों ने बहुत बार बजाए भी होंगे. देन
दिस इज फ्लूट, मतलब जो कृष्णा जी बजाते हैं वो फ्लूट, देन ये सितार जो माता के मंदिर में बजाया जाता है. ओके, सिर्फ कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. सो नेक्स्ट टॉपिक इज साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी. सो इसका मतलब साउंड कब, साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होती है, साउंड कहाँ से निकलती है, एक वाइब्रेटिंग बॉडी से. वाइब्रेटिंग बॉडी मतलब कंपन. अभी कंपन भी आप लोगों को समझ नहीं आएगा तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी. यहाँ पे एग्जाम्पल हम कैसे ले सकते हैं, जैसे आपका फोन जो है, आपका फोन आपने साइलेंट पे रखा है, साइलेंट पे रखा है, और किसी पे कॉल आया, मतलब या आपके फ्रेंड का या आपके कोई भी नेबर्स का कॉल आया वहां पे, तो आपको क्या है, जैसे उसमें क्या है, कंपन होगी, वो हिलता हिलेगा, मतलब उससे आवाज नहीं आएगी बट हिलेगा. ओके, तो साउंड कहाँ से आती है, वाइब्रेटिंग बॉडी से ही साउंड आती है. ओके, सो वो होता है वाइब्रेटिंग, जिसमें मैंने आपको फोन का एग्जांपल दिया. देन टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज, मतलब आपको स्कूल बेल जो आपके स्कूल में रहती है, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको पिक्चर भी दिए, जैसे यहाँ पे स्कूल बेल रहती है. ओके, स्कूल बेल तो आई आई नो दैट सबको पता होगा स्कूल बेल क्या होती है. देन स्कूल बेल को अगर, जब उसको कोई यूज नहीं कर रहा है, जब प्यून उसको यूज नहीं कर रहा है, जब कोई बजा रहा है, सिंपल ऐसे ही रखी हुई है या मतलब लटकाई हुई है, तो आप जाके उस स्कूल बेल को टच कीजिए. ओके, देन व्हाट डू यू फील, क्या फील होगा, क्या फील होगा आपको, कुछ फील नहीं होगा, क्योंकि उसमें से मतलब ना वो वाइब्रेट कर रही है तो साउंड भी आएगी नहीं, तो कुछ फील नहीं होगा आपको. अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूसिंग साउंड, और अब फिर आपको जब टच करने, जब आपको आपके स्कूल का जो प्यून है जब वो बेल को बजाएगा, तो तब आप जाके फट से उसको जल्दी से टच करना, तो फिर आपको साउंड, मतलब साउंड तो आएगी. कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग, फिर आपको जो वाइब्रेशन मतलब जो कंपन है वो फील होगा, बिल्कुल फील होगा, क्योंकि जब वो बजाते हैं तो उसमें वाइब्रेटिंग की आवाज आती है, और आवाज कैसे आती है, वाइब्रेशन की वजह से. जब अगर वाइब्रेशन होगा तभी आवाज आएगी, अगर वाइब्रेशन होगा तभी आवाज आएगी. ओके, सो यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 13.1. सो लेट्स रीड इट आउट दिस एक्टिविटी. सो या टेक अ मेटल प्लेट और अ पैन. सो एक्चुअली यहाँ पे आपको कौन क्या करना है, आपको एक मेटल प्लेट लेनी है, मतलब कोई भी मेटल की जो प्लेट, जो भी आप बर्तन यूज करते हो तो आप ले सकते हो वहां से, या कोई भी एक पैन लेना है. तो यहाँ पे जैसे जो ये स्मॉल चिल्ड्रन, जो भी हम बोल सकते हैं, इसने, इस बच्चे ने यहाँ पे पैन लिया हुआ है. ओके, तो अब हम पैन ही ले लेते हैं. ओके, देन हैंग इट एट अ कन्वीनियंट प्लेस इन सच अ वे दैट इट डज नॉट टच द वॉल. इसका मतलब आपको इसे ऐसी जगह लटकाना है, कन्वीनियंट प्लेस मतलब ऐसी जगह, कन्वीनियंट प्लेस मतलब ऐसी जगह, ऐसी जगह आपको लटकाना है कि जहां पे मतलब आजू बाजू वॉल से टच ना हो, वॉल मतलब दीवार से टच ना हो. ओके, देन नाउ स्ट्रिक इट विद अ स्टिक. सो अभी आपको इधर मतलब जैसे आपने वो पैन को, जैसे यहाँ पे इधर बच्चे ने ये पैन लिया है, और इसको फिर ये किससे बांधा है, थ्रेड से बांधा है, जो आपको दिख सकता है इधर, ये थ्रेड से बांधा हुआ है ये पैन. देन उसी से ऐसे जगह आपको लटकाना है जहाँ पे आजू बाजू वॉल नहीं है, दीवार नहीं है, फिर वो आपको लटकाने के बाद फिर उसको स्टिक से मारना है. नाउ स्टिक इट विद अ स्टिक, स्ट्राइक, नाउ स्ट्राइक इट विद अ स्टिक, स्ट्राइक मतलब मारना. ओके, फिर आपको स्टिक से उस पैन को मारना है. डू यू हियर अ साउंड, आपको कोई साउंड सुनाई दी, बिल्कुल सुनाई देगी. अगर हम लोग किसी भी चीज को, जैसे पैन है उसको मारेंगे, तो हमें साउंड तो बिल्कुल सुनाई देगी, क्यों, क्योंकि अगर वो वाइब्रेट हो रहा है तो साउंड तो आएगी. ओके, टच द प्लेट और पैन जेंटली विद योर फिंगर, फिर आप आराम से मतलब उसको फिर टच करना, जेंटली अपने फिंगर से आप उस पैन को टच करना. डू यू फील द वाइब्रेशन, क्या आपको वाइब्रेशन फील होगा, या आपको बिल्कुल वाइब्रेशन फील होगा, कैसे फील होगा, मतलब जब भी आपने टच, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ध्यान से उसको पढ़ो और समझो, पहले समझो उसको, देन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे उसका आंसर, इसमें क्या बोला है, टच द, नाउ स्ट्राइक इट विद अ स्टिक, फिर से आपको बता रही हूँ, नाउ स्ट्राइक इट विद अ स्टिक, डू यू हियर साउंड, जब आप उसको स्टिक से मारोगे आपको साउंड बिल्कुल सुनाई दे, क्योंकि वो वाइब्रेट हो रहा है. टच द प्लेट और पैन जेंटली विद योर फिंगर, डू यू फील द वाइब्रेशन, मतलब जब आपको फिर से टच करना है, जब आप उसको मार नहीं रहे हो, मतलब सिंपल ऐसे ही लटका हुआ है, आप उसको मार नहीं हो, जब आप टच करोगे तो आपको वाइब्रेशन फील होगा, नो बिल्कुल नहीं होगा वाइब्रेशन फील, बिल्कुल आपको कंपन नहीं महसूस होगी. क्यों महसूस नहीं होगी, क्योंकि जब वो वाइब्रेट ही नहीं कर रहा उस मतलब साउंड ही प्रोड्यूस नहीं, तो कैसे वाइब्रेशन आपको सुनाई दे सकता है ना, मतलब कैसे फील हो सकता है. ओके, सो आगे भी एक्टिविटी, सो लेट्स रीड दिस व्हिच इज लेफ्ट पार्ट. ओके,
ये एक्चुअली क्या दिया है, अगेन स्ट्राइक द प्लेट विद द स्टिक एंड होल्ड इट टाइटली विद योर हैंड्स इमीडिएटली आफ्टर स्ट्राइकिंग। तो यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, जैसे आपने लटका हुआ पैन ले लिया, वहां पे लटका भी लिया, अभी फिर आपको फिर से स्टिक से मारना है, फिर से स्टिक से मारना है, और जब आप मारोगे तब आपको उसकी जैसे मार के फटाफट मारना है और फिर वो पैन को पकड़ लेना है, एकदम टाइटली पकड़ना है। ओके, मारने के बाद आपको फटाफट टाइटली पकड़ना है वो। देन डू यू स्टिल हियर द साउंड, क्या अभी भी आपको साउंड सुनाई दी, क्या अभी भी आपको साउंड सुनाई दी क्या आपने आपको साउंड नहीं सुनाई देगी, आपको साउंड नहीं सुनाई देगी। क्यों नहीं सुनाई देगी, अगर जब वाइब्रेशन नहीं है तो साउंड कैसे सुनाई देगी। अगर आप अभी आपने पकड़ा, देखो आपने सीधा स्टिक मारी और उसके बाद अभी आपने पकड़ लिया तो वाइब्रेशन तो होगा नहीं, अगर वाइब्रेशन नहीं होगा तो साउंड नहीं प्रोड्यूस होगी, अगर वाइब्रेशन नहीं होगा तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। ओके, देन डू यू स्टिल हियर द साउंड, आपको साउंड नहीं सुनाई देगी। ओके, देन टच द प्लेट आफ्टर इट स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग साउंड, और फिर आपको टच करना है जब अगर उसने जब मतलब साउंड नहीं निकल रही तब आप उसको टच करके देखो, कैन यू फील द वाइब्रेशन नाउ, क्या अभी आपको वाइब्रेशन फील हो रहे, नहीं, क्योंकि साउंड जब है ही नहीं, अगर हम उसको मार ही नहीं रहे तो वाइब्रेशन कहाँ से फील होगा, है कि नहीं। ओके, सो वी हैव डन दिस एक्टिविटी, एक बार मैं आपको फिर से ये एक्टिविटी मतलब खुद से मैं आपको दिखाऊंगी ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, सो लेट्स डू दिस एक्टिविटी इन रियल लाइफ। Yeah, so actually we are doing this activity here. I have just hang it on. See, this thread is there and this pen. Okay, so this is a stick which you can take any of them. So let's strike it. One, okay, on this surface. I'm just telling again, on this surface you have to strike out. So let's again, okay, 2-3 times. Let's do. Okay, wait. Yeah, one and three. Okay, so actually now we have done by hang it on. Okay, now we have to hold it tightly. See, I will just put and we have to hold it tightly. So the sound is coming less. So that's the difference. The sound is coming again. Let's see, it's coming less. Yeah, and when I'm holding like this, so it's coming clean. That was trick. Okay, so only this is the activity. So let's move it to on the other activity. Guys, I have shown this activity to you in front of you. So let's move to the next one. So next is this activity, activity 13.2. Actually, let's first understand this activity, then we will perform it in real life. Okay, so let's start. So here, take a rubber band. Means, आपको एक रबर बैंड लेना है, means जहाँ पे वेट मैं इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ, या इतना ही जूम हो सकता है। सो यहाँ पे जो ये रबर बैंड, आई थिंक आई होप दैट यू कैन सी दिस रबर बैंड, ओके, दिस ओके, दिस इज अ रबर बैंड। सो यू हैव टू टेक दिस रबर बैंड, ओके, यू हैव टू टेक दिस रबर बैंड, देन आफ्टर दैट पुट इट अराउंड द लॉन्ग साइड ऑफ अ पेंसिल बॉक्स। मीन्स आफ्टर दैट मतलब आपने रबर बैंड लिया, फिर जो आपकी लॉन्ग साइड मतलब जो आपकी लेंथ मीन्स जो इस साइड जो बॉक्स की इस साइड मतलब जहाँ पे बॉक्स ज्यादा लंबा है वहां पे आपको मतलब ये क्या करना है, जो रबर बैंड है वहां पे आपको डालना है, उसमें फिट करना है, ठीक है। देन इंसर्ट टू पेंसिल्स बिटवीन द बॉक्स, फिर आपको जैसे यहाँ पे ये वन पेंसिल डाली गई है, ओके, देन ये नेक्स्ट पेंसिल यहाँ पे डालिए, ये आपको ऐसे इंसर्ट करनी है पेंसिल में, इंसर्ट मीन्स डालना, यू हैव टू पुट, इंसर्ट मीन्स डालना। देन एंड द स्ट्रेच रबर बैंड, मतलब जो स्ट्रेच रबर बैंड है, जो रबर बैंड आपको दिया गया है यहाँ पे वो आपको लगाना है, फिर उसके अंदर आपको टू पेंसिल्स इंसर्ट करनी है, ओके, मीन्स डालनी है। नाउ प्लग द रबर बैंड समवेयर इन द मिडल, फिर आपको जो रबर बैंड है वो थोड़ा सा मिडल में लाना, मतलब जितनी आप हो सके उतनी मिडल में आप ला सकते हो रबर बैंड, ओके। देन डू यू हियर एनी साउंड, मतलब वेट, नाउ प्लग द रबर बैंड, प्लग मीन्स आप समझे, प्लग द रबर बैंड समवेयर इन द मिडल, फिर आपको जैसे अभी आपने लगा लिया, फिर आप जैसे ऊपर से आप उसको खींच के देखो, प्लग मतलब खींचना, प्लग वैसे तो होता है तोड़ना, बट इस सेंटेंस के हिसाब से हम खींचना बोलेंगे, जैसे उसको ऊपर उठा के, जैसे यहाँ पे जो हैंड्स जो मतलब जो भी ये परफॉर्म एक्टिविटी कर रहे हैं उन्होंने कैसे उठा के देखा है, तो जब भी हम इसको मीन्स ऊपर करके देखते हैं और फिर ऊपर करके और फिर छोड़ देते हैं हम, तो उसमें क्या होता है, साउंड भी आती है, आपने बहुत बार देखा, वाइब्रेट भी होते हैं। सो हम ये एक्टिविटी कंटिन्यू करते हैं। डू यू हियर एनी साउंड, आपको साउंड सुनाई दी, बिल्कुल सुनाई देगी आपको साउंड। Does the hand vibrate? Yeah. Does the band vibrate? Yeah. Band जो है, जो rubber band है, बिल्कुल vibrate करेगा, क्योंकि जब वो vibrate करेगा तभी तो sound produce होगी. Okay. So this is the activity. So let's perform this activity in the real.
So actually, we are ready for the activity. We are having the compass here. Okay, I know that you all are having the compass and this rubber band. Wait, I will see this one rubber band. I hope that you can see. You can take any color rubber band. Okay, then these folds and two pencils. Means these two pencils you are going to take. Okay, and so let's start with how to do this activity. Take a compass, then put a rubber band around it. Wait, see like this. Okay. Wait a minute. In the middle you have to put, okay. Yeah. I hope that you can see this rubber band. Wait. Yeah, this rubber band, I hope you can see all, okay. So now we have put the rubber band around it, okay, like this. I hope you can see, okay. So then these pencils we have to insert. This one pencil in the end. See, at the end of that, at the end, okay, one pencil, and the other pencil, this one, so you have to take, you can take pen also, okay, you can take pen also. These two at and ends, okay, these two at and ends. So now what you have to do, you have to just pull it, this rubber band, okay, this is the rubber band which you are having. Hear it, okay. Yeah, can you hear the sound? You have to produce a sound like this, okay, okay. Again, but in the activity it is said like this, okay. We can do it like this. I hope you can listen this. Like this, in the activity, just pull up and leave it. Pull up and leave it. Then this also you can do, this produces a sound. Okay, this is the activity, okay. Let's move to the another. So actually, here we have done this 13.2 in the real life. So let's move to the next onwards, okay. So next here is, as you learned in class 7th, the to and fro or back and forth motion of an object is called vibration. Do you know? This is very important. So actually for this, यहाँ पे क्या बोला है, आपने class 7 में पढ़ा ही होगा कि जो to and fro motion, मतलब जो आगे और पीछे, to मतलब आगे, मतलब इस sentence का मतलब है to and fro. To and fro means आगे and पीछे. To and fro means पीछे. फ्रो और बैक भी बोल सकते हो एंड फोर्थ मोशन मतलब जो टू एंड फ्रो जो मोशन है उसे हम वाइब्रेशन कहते हैं मतलब जो जैसे जो ऑब्जेक्ट्स हिलते हैं मतलब हमें उनको करेक्ट हिलना नहीं बोलेंगे हम लोग कंपन बोल सकते हैं क्योंकि इसको हिंदी में कंपन बोला जाता है ओके मतलब जो ऑब्जेक्ट्स आगे और पीछे हिलते हैं या वाइब्रेट करते हैं उनको उस मोशन को वाइब्रेशन बोलते हैं ओके सो नेक्स्ट इज व्हेन अ टाइटली स्ट्रेच्ड बैंड इज प्लक्ड It vibrates and produces sound. ये मैंने अभी आपको एक्टिविटी में करके दिखाया आप चाहे तो वो फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं मेरी वीडियो इसमें क्या बोला है जब भी अगर हम लोग कोई भी बैंड को मतलब टाइटली स्ट्रेच मतलब टाइटली जब उसको हम लोग स्ट्रेच मतलब जब उसको जब अगर हमें बड़ा करना तो हम स्ट्रेच करते हैं या बिल्कुल हम स्ट्रेच करते हैं उस बैंड को जब हम लोग स्ट्रेच करके जब प्लक मतलब ऐसे पकड़ के इसको छोड़ देते हैं तो उससे साउंड आती है साउंड से पहले क्या करता है वाइब्रेट होता है ना कंपन करता है और फिर साउंड उसे प्रोड्यूस होती है साउंड निकलती है ओके सो नेक्स्ट इज व्हेन इट स्टॉप्स वाइब्रेटिंग व्हेन इट स्टॉप्स वाइब्रेटिंग इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड अगर जब कोई सब्सटेंस जब कोई मटेरियल वाइब्रेट नहीं करेगा जब कोई या सब्सटेंस जब वाइब्रेट करना बंद कर देगा तो उसके अंदर से साउंड निकलनी भी बंद हो जाएगी ओके साउंड अगर कोई सब्सटेंस वाइब्रेट करना बंद कर देगा तो उसमें से साउंड निकलनी भी बंद हो जाएगी ठीक है सो हियर सो नेक्स्ट एक्टिविटी अगेन एक्चुअली देयर आर मेनी एक्टिविटीज ओके सो आई विल परफॉर्म ऑल नॉट बट व्हिच इज अवेलेबल आई विल ओके या सो नेक्स्ट एक्टिविटी इज 13.3 Take a metal dish. Metal dish means any dish you can take. Here plate is taken. Plate is taken. So, yeah, plate can you see? This plate. Okay, this plate is taken. So, we can take like this plate also. Okay. So, we have to take any metal dish. But here plate is taken. So, plate only. Okay, yahan pe plate li gayi. Aapko koi bhi ek plate leni hai. Pour water in it. Uske andar aapko pani pour karna hai. Pour matlab dalna. Uske andar pani aapko dalna hai. Okay. Then strike it at its edge with a spoon. मतलब फिर आपको एक स्पून लेनी है जैसे अभी आपने अपनी आपने एक प्लेट ली उसके अंदर आपने पानी डाल दिया मतलब पानी से भरी तो नहीं मतलब पूरी फुल नहीं भरनी है जितना आपको भरना है उतना भर सकते हो आप ठीक है बट फुल से थोड़ी सी हाफ छोड़नी है
आपको भर दिया आपने पानी से, देन उसके बाद स्पून लेनी है जो उसके एज में एकदम कॉर्नर में, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है एक्टिविटी में, यहाँ पे फोटो में दिखाया हुआ है, जैसे यहाँ पे कैसे इन्होंने स्पून दिए, स्पून ली है और उनको एकदम एज में, मतलब यहाँ पे एज एकदम एज में पता है ना, एकदम कॉर्नर में उन्होंने ऐसी, मतलब ये स्पून से स्ट्राइक किया, स्पून से मारा है प्लेट को, ठीक है। जो ये साउंड आपको साउंड सुनाई देगी, बिल्कुल सुनाई देगी आपको, साउंड आपको जरूर सुनाई देगी, क्योंकि उसमें क्योंकि वो वाइब्रेट भी तो हो गई ना प्लेट। देन अगेन स्ट्राइक द डिश एंड देन टच इट। अभी आप फिर से मतलब डिश में, मतलब जो प्लेट में है, फिर से आप स्पून से एक बार फिर आप मारो और फिर आप उसको टच करके देखो। ओके, कैन यू फील द डिश वाइब्रेटिंग? क्या वो डिश आपको वाइब्रेट करती हुई दिखेगी? जो अगर देखो, अगर आप फिर से अगर आप मारोगे और आप फिर टच करोगे तो बिल्कुल आपको वाइब्रेटिंग दिखेगी, क्योंकि अगर वो वाइब्रेट होगा, देखो हर एक्टिविटी में यही चीज बताइए, अगर कोई भी चीज वाइब्रेट होती है तो उसमें से साउंड निकलती है। ओके, देन स्ट्राइक द डिश अगेन, फिर से आप उस डिश को मारो। पता नहीं कितनी बार मारने के लिए कह रहे हैं, बट ओके लेट्स ट्राई। तो फिर से आप मारो वो प्लेट को। लुक एट द सर्फेस ऑफ वाटर, फिर जो मतलब जो वाटर, मतलब हम लोगों ने इसमें वाटर पोर किया था ना, वेट 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 या सो हम लोगों ने यहाँ पे इसके अंदर वाटर पोर किया था, तो जैसे भी हम लोगों ने इसके अंदर जो वाटर है इस प्लेट के अंदर हम लोगों ने पूरा वाटर भरा था, ठीक है। देन क्या बोला इसमें, हाँ जो पानी का सर्फेस है, जो आप सर्फेस देख सकते हो यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, वेट एक बार मैं ये या देन फिर लुक एट द सर्फेस ऑफ वाटर, मतलब जो आपने फिर से उसको स्पून से मारा आपने प्लेट को, प्लेट के कॉर्नर पे, तो फिर से आपको उस मतलब जो पानी का जो सर्फेस है, जो स्तह, हिंदी में मीन्स वी कैन से सर्फेस एज अ स्तह, तो आप स्तह बोल सकते हो, मतलब जो पानी की स्तह को आपको देखना है। देन डू यू सी एनी वेव्स देयर, आपको कोई वेव्स दिखेगी? या बिल्कुल दिखेगी हमें वेव्स, बिल्कुल दिखेगी, क्योंकि अगर हम मारेंगे तो वहां पे वेव्स दिखेगी। वेव्स मतलब तरल, मतलब जो तरल जिसको बोलते हैं। सो हमें सर्कुलर वेव्स दिखी, मतलब जब भी अगर जैसे हम लोगों ने देखा होगा, हम लोग समुद्र में भी कभी जाते हैं, सी या ओशंस में, तो वहां पे भी वेव्स दिखती है हमें, बहुत बार आती है। तो ना होल्ड द डिश, फिर आपको डिश को पकड़ना है, आपको क्या करना है, अभी तो हम लोगों ने सिंपल बिना पकड़े उसको सिर्फ स्पून से मार के दिखाया, अगर आपको एक साइड से अभी पकड़ना है, व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, एक साइड से पकड़ना है और फिर मारना है, तो फिर क्या चेंज दिखेगा आपको वाटर की सर्फेस में? कैन यू एक्सप्लेन द चेंज, आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हो चेंज? बिल्कुल, जब भी अगर हमें उसको पकड़ के हम उसको फिर मारेंगे स्पून से प्लेट को, सो एक्चुअली इसमें से सर्कुलर वेव्स निकलने लगेंगे। इसका आंसर क्या होगा? सर्कुलर वेव्स वुड बी प्रोड्यूस्ड। ओके, उसके अंदर सर्कुलर वेव्स प्रोड्यूस होगी, निकलेगी। ओके, इज देयर अ हिंट टू कनेक्ट साउंड विद वाइब्रेशन ऑफ बॉडी? बिल्कुल, ये एकदम अलग से सवाल, मतलब एकदम नॉर्मल से सवाल पूछे, सिंपल सा, ये मैंने हर बात पे इसका आंसर बताया आपको। हाँ बिल्कुल, एक मतलब जो साउंड है वाइब्रेशन की बॉडी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि जो वाइब्रेशन जो है, अगर वाइब्रेशन होगा तभी वो बॉडी में से साउंड निकलेगी। ओके, ये सबसे मेन बात है। ओके या सो अभी आगे नहीं है, बस इतनी ही एक्टिविटी। और यहाँ पे वाइब्रेटिंग जो मैं पढ़ लेती एक बार तो भी फिर। ओके, वाइब्रेटिंग डिश प्रोड्यूसेस वेव्स इन वाटर, या इसमें यही आंसर लिखा है कि जो वाइब्रेटिंग, मतलब जो वाइब्रेटिंग डिश जो है, मतलब वो वाइब्रेट करेगी, कंपन होगी वो जो प्लेट, देन उसमें से उस वाटर में से वेव्स भी तो निकलेगी। सो अभी हम लोगों ने एक्टिविटी वी हैव रीड इट फुल, सो लेट्स ट्राई इट इन रियल लाइफ। सो एक्चुअली हियर अगेन आई एम फॉर अ न्यू एक्टिविटी, सो लेट्स स्टार्ट। सो हियर आई हैव टेकन अ स्पून, ओके बिग वन, and a plate, and a plate you all can see, so much light is reflecting, okay, this, and a glass of water, okay, so in this plate what we have to do, we have to pour water in it, so let's pour, read, not full, you have to put, okay, I think so, wait, more, yeah, now I hope it can be seen by you, if I will put it on the side, well, this way down. Okay, so this we have put, I hope that you can see water in it, so now I will just hit, this is a spoon and I have just poured water in this plate, when I just put like this, 1, 2, 3,
So what happened? The waves, the circle of waves just attract here. Okay. See, again I will put again. One. When I will just do this now, see, the waves are coming. Waves. I hope that waves are coming. See. One. See, again these. From these circular waves. See. Okay. So only this much is the activity. Here just it is shown when the body vibrates. When the body vibrates, then only it produces sound. So only this much activity. So let's come to the another activity. In the activity, we have performed the activity in the real life. So here also, so let's read the another one. Okay, so yeah, here it is. We see that a vibrating object produces sound. Yeah, ये हम सबको पता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा तो उसके अंदर से साउंड निकलनी ही निकलनी है, ठीक है? In some cases, the vibration are easily visible to us. कभी-कभी क्या होता है? कुछ-कुछ केसेस में, केसेस मतलब मामले, ठीक है? वैसे तो हम मामले बोलेंगे, but इस सेंटेंस में हम लोग सिंपल केस बोलेंगे. कुछ-कुछ केसेस में क्या होता है? जो वाइब्रेशन है, वो हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं, आसानी से मतलब हम अच्छा देखो. Wait, again see ya. In some cases, कुछ cases में the vibration, जो vibration होते हैं, easily visible to us. मतलब हम एकदम मतलब easily आप हम लोग आराम से वो vibrations जो है हम देख सकते हैं, ठीक है? जैसे but in most cases the amplitude is small that we can't see them. देखो अभी कुछ कुछ केसेस में हम लोग देख सकते हैं वाइब्रेशन. कौन से केसेस में? जैसे अभी हम लोगों ने रबर बैंड वाला किया था कुछ ही मीन्स कुछ ही टाइम पहले. या हम लोगों ने रबर बैंड वाला किया था. जैसे उस रबर बैंड को पुल करेंगे तो जब वो वाइब्रेट होगा और उसमें से साउंड भी प्रोड्यूस होगी. दोनों हम लोगों ने देखा था, राइट? या उन्होंने दोनों देखा था, दोनों में विजिबल थे. बट इन मोस्ट केसेस पर कुछ कुछ केसेस में क्या होता है? देयर एम्पलीट्यूड इज सो स्मॉल. मतलब जो एम्पलीट्यूड रहता है वो इतना छोटा रहता है. एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड मतलब जो वाइब्रेशन जो रहते हैं, ठीक है? ऑब्जेक्ट के जो भी वाइब्रेशन रहते हैं वो इतने छोटे होते हैं. ओके, अगर जो एम्पलीट्यूड है वो छोटा रहेगा, छोटा मतलब अभी हम या छोटा जैसे या सो एक्चुअली इसमें यही बताया गया, अगर एम्पलीट्यूड छोटा है, वेट एक मिनट, या अगर एम्पलीट्यूड जो छोटा है दैट वी कांट सी देम, मींस अगर एम्पलीट्यूड छोटा होता है तो हम वाइब्रेशन को नहीं देख सकते. हाँ, वाइब्रेशन को नहीं देख सकते. अगर जो या एम्पलीट्यूड अगर बड़ा होगा, एक मिनट मैं पहले आपको बता दूं एम्पलीट्यूड क्या होता है. मतलब जो वाइब्रेशन की जो दूरी होती है, मतलब जो डिस्टेंस होता है वाइब्रेशन, मतलब कितना ट्रैवल कर सकता है. अगर एम्पलीट्यूड छोटा होता है तो हम उसको नहीं देख सकते. अगर एम्पलीट्यूड बड़ा होगा तो या वी कैन सी इट, हम देख सकते हैं उसे. ओके, सो ये हाउ एवर वी कैन फील देम. मतलब अगर एम्पलीट्यूड छोटा है तो हम उसको देख तो नहीं सकते, बट हम उसको फील जरूर कर सकते हैं, हम उसको महसूस जरूर कर सकते हैं, ठीक है? सो ये अगेन वन एक्टिविटी. माय गॉड, माय गुडनेस यार, हाउ मेनी एक्टिविटीज आर देयर. सो बट देन आल्सो वी विल डू इट, मींस रीड इट. या एक्चुअली सी, लेट्स सी एक्टिविटी 13.4. ओके, टेक अ होलो कोकोनट शेल and make a musical instrument ek tarah. I hope that ek tarah you have seen a picture, it is given a simple one. इसमें क्या बोला है? आपको एक होलो कोकोनट शेल लेना होगा. होलो यहाँ पे वन वर्ड यू कैन सी, या होलो, ये होलो इस, या आई होप यू कैन सी दिस होलो, ठीक है? ये होलो है, मतलब होलो मतलब खोखला. होलो मतलब खोखला, मतलब जो कोकोनट शेल, मतलब देखो जो कोकोनट हम लोग खाते हैं, अगर जब हमें खाने से पहले जो उसका ऊपर का जो कवरिंग रहती है हमें उसको निकालना पड़ता है, ठीक है? फिर हम उसको पीसेस में करते हैं. मतलब जो शेल जो बाहर का जो रहता है, देखो जैसे यहाँ पे ये देखो ये शेल है. ओके, ये शेल जो है पूरा वो खोखला में शेल लेना है, ठीक है? उसके अंदर कोकोनट नहीं होना चाहिए. ओके, खोखला शेल लेना है एंड मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक तरह. फिर उससे हमें क्या करना है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनानी. क्या बनानी है हमें उससे? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होगा? एक तरह, या एक तरह, ठीक है? देन यू कैन ऑल्सो मेक इट विद द हेल्प ऑफ एन अर्दन पॉट. जरूरी नहीं कि आप ये कोकोनट शेल ही लो, आप इसकी जगह अर्दन पॉट, मतलब जो मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, आप वैसा पॉट गमला भी ले सकते हो, पॉट टाइप. ओके, ऐसा गोल गोल टाइप आप ले सकते हो, ठीक है? देन प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट, आइडेंटिफाई द
वाइब्रेटिंग पार्ट। तो इसमें क्या बोला है आपको, जैसे ये आप इंस्ट्रूमेंट बनाना, तो आपको खुद से ये इसमें मतलब पूरी प्रोसेस नहीं दे रखी आपको कैसे बनाना है, ठीक है, सिर्फ आपको बनाना है देन उस इंस्ट्रूमेंट को फिर बजाना भी है, मतलब उसको मतलब देखो आप बनाओगे वो इंस्ट्रूमेंट देन उसको बजाना भी है, फिर आपको देखना है यहाँ पे क्या लिखा है वाइब्रेटिंग N95H वाइब्रेटिंग पार्ट, मतलब उसमें से कौन सा वाइब्रेटिंग पार्ट है आपको वो भी बताना है। सी देखो जो आपको ये दिख रहा है ये रेड ये वाइट थ्रेड जो जिसमें से कलर कर रही हूँ, ओके दिस थ्रेड, ओके वेट आई विल डू इट लिटिल बिट बिगर वन, या ओनली दिस मच इट कैन बी ज़ूम्ड, या दिस वन दिस थ्रेड, ओके दिस द थ्रेड एंड दिस इज द वाइब्रेटिंग पार्ट ऑफ दिस एक तरह, मतलब एक तरह का वाइब्रेटिंग पार्ट क्या है, क्या है एक तरह का वाइब्रेटिंग पार्ट, या एक तारा नहीं एक तारा का वाइब्रेटिंग पार्ट होता है जो वो ये थ्रेड, इसका भी हम लोग बोलते हैं स्ट्रेच मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं हम इसे स्ट्रेच मेम्ब्रेन, क्योंकि जब भी हम इसको मतलब ऐसे पॉलिश टाइप करेंगे, पॉलिश तो नहीं बोल सकते, जब इसे हम टच करेंगे ये जो स्टिक है इससे जब अगर ये जब भी टच होगा तो इसमें से साउंड प्रोड्यूस होगी, ओके तो इसका वाइब्रेटिंग पार्ट क्या है स्ट्रेच मेम्ब्रेन, ओके सो एक्चुअली वी कांट डू दिस एक्टिविटी बिकॉज इट इज टू मच मीन्स नॉट, अब एकदम अलग ही हो जाएगा फिर ये, और एक तो मीन्स अफोर्डेबल, मेरे पास अभी तक कोकोनट शेल है नहीं फिलहाल, तो मीन्स दीज थिंग्स आर नॉट अफोर्डेबल टू मी, ओके सो लेट्स डू द अदर वन, या हियर्स वेट या व्हाई इट हैपेंस आई डोंट नो, या सो मेक अ लिस्ट ऑफ फैमिली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई द वाइब्रेटिंग पार्ट्स, ओके सो या आपको यहाँ पे क्या है आपको एक लिस्ट बनानी है कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की फैमिलियर, मतलब कुछ ऐसे समान तरीके से, समान मीन्स ऐसे ही सेम टू सेम, सेम टू सेम नहीं ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, ओके तो आपको ऐसे ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट बनानी है, एंड लिस्ट तो बना लोगे आप लोग, पियानो मतलब बहुत 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 सारे हैं, ठीक है एंड आइडेंटिफाई द वाइब्रेटिंग पार्ट, और उसमें क्या करना है आपको एक जैसे वाइब्रेटिंग उनके जो वाइब्रेटिंग पार्ट जिसमें से आवाज निकलती है जिस पार्ट में से, तो आपको वो भी बताना है उसमें से, वो भी लिखना है, ओके अ फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन इन द टेबल 13.1 कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द टेबल, इसमें भी वही आपको कुछ एग्जांपल दिए होंगे टेबल 13.1 लेट्स सी या गिवन 13.1 दिस इज एक्टिविटी, सो इसमें आपको कुछ दिए हुए हैं मतलब फर्स्ट एंड सेकंड तो पहले दिए हुए हैं तो आपको बाकी के लिखने हैं, ठीक है कुछ कुछ बुक्स में फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड दी होंगी और बाकी के आपको फाइंड आउट करना है, बट इसमें फर्स्ट और सेकंड दी है, ओके एंड फिर कंप्लीट रेस्ट ऑफ द टेबल मीन्स फिर आपको जो बाकी बच्चे टेबल है वो आपको कंप्लीट करनी है, तो मैं तो भी आपको समझा देती हूँ वीना, आई होप वीना तो आपने आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा वीना, वीना का स्ट्रेच स्ट्रिंग होता है, मतलब जो ऊपर का जो जैसे वीना नहीं होता उसका साइड का स्ट्रिंग पार्ट वो, ठीक है देन तबला, तबला का स्ट्रेच मेमोरी तबला, या वी आर हैविंग द फोटो लेट्स सी तबला 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 या इट्स हियर तबला, तो सो तबला का स्ट्रेच स्ट्रिंग मतलब जो आप आई होप यू कैन वेट आई विल चेंज द कलर ऑफ दिस, या नो नीड लेट इट बी, सो जो तबला का अपर का पार्ट है जो देखो ये अपर का सरफेस, सो इसको मतलब इससे हमें साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है इससे साउंड प्रोड्यूस होती है, और इसको हम क्या बोलते हैं स्ट्रेच मेम्ब्रेन, ओके स्ट्रेच मेम्ब्रेन से ये वाइब्रेटिंग पार्ट है तबला का, सो आपका ये होमवर्क है आपको कमेंट सेक्शन बताना है कि और कौन कौन से पार्ट्स हैं मतलब जो नेक्स्ट में आपको बताना है, ठीक है सो ये आपका होमवर्क है आपको मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बताने और उनके वाइब्रेटिंग पार्ट्स भी बताने, ओके सो नेक्स्ट सो या लेट्स रीड आउट द नेक्स्ट, या वेट आई विल बी डू इट लिटिल बिट डाउन वर्ड्स वेट वेट अपवर्ड, ओके या नाउ एक्यूरेट, या मेनी ऑफ यू माइट हैव सीन द मंजरा कैंबल्स, आपने बहुत बार मीन्स आपने शायद से ही देखी होगी मंजरा साइम्बल्स, ये मंजरा की तो फोटो यहाँ पे दी हुई है सी दिस द मंजरा, मतलब कहीं भी आपने भजन में वगैरह देखी होगी मंजरा, ठीक है यहाँ पे दी हुई है जैसे इसको मतलब दोनों हाथों से पकड़ के बजाते हैं, ठीक है सो ये मंजरा है, देन धागठाम घटाम मीन्स घटाम की भी फोटो यहाँ पे दी गई है, देखिए मतलब ये थोड़ा मटके जैसा रहता है और उसको मतलब दोनों हाथों से ऐसे डंग 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 बजाते हैं, ओके एंड द नोट मडपॉट्स, ये मतलब नोट जो होते हैं इनको मडपॉट्स बोला, मडपॉट्स टाइप जैसे रहते हैं जो आपको मैंने आपको दिखाया ना, ये घटाम आपको घटाम दिखाया ना मैंने आपको, ये नोट ऐसे ही होते हैं, ठीक है
इसी टाइप के होते हैं. ओके देन एंड द करताल. करताल वेट, करताल मतलब जैसे भजन्स में जब वो दोनों हाथों से पकड़ के उनको बजाया जाता है, झ झ झ झ कुछ ऐसी आवाज़ टाइप आती है तो करताल होता है. अब किसी भी मंदिर में जाओ ना तो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे वहाँ पे करताल, अगर आप पूछो तो. ठीक है, तो देखो कर सी वेट. हाँ यहाँ पे कर, कर मतलब हाथ, मतलब हाथ, और ताल मतलब ताली, मतलब हाथ से बजाने वाला जो ताली का इंस्ट्रूमेंट रहता है ना, वैसे तो मैंने ऐसे बनाया है. या तो करताल आपको मिल जाएगा, ठीक है, मंदिर में किसी भी. तो या सो नेक्स्ट विल कंटिन्यू आ दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर कॉमनली यूज्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री. जो मैंने आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अभी बताया है मतलब कंट्री के हर कोने में, मतलब हर बहुत सारे पार्ट्स में यूज होते हैं, या ऑफकोर्स बिल्कुल यूज होते हैं. ठीक है, यूज होते हैं. देन दीज इंस्ट्रूमेंट आर सिंपली बीटन और स्ट्रक, मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट है तो इनको मारा जाता है या मतलब बीट किया जाता है, स्ट्रक, ठीक है, मारा जाता है, पीटा मारा जाता है या पीटा जाता है. ठीक है, कैन यू नेम अ फ्यू अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ दिस टाइम. सो आप कुछ और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बता सकते हैं इसके जैसे, या बिल्कुल बहुत सारे मीन लिटरली बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इस चैप्टर में, या साउंड के बारे में तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ना हो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं. या so here you too can make a musical instrument. आप भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना सकते हो, या जैसे मैंने आपको यहाँ पे अभी एक तारा बताया है बना के, अरे यार, या जैसे यहाँ पे मैंने आपको भी एक तारा बताया. ठीक है, तो ऐसे आप कुछ और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना भी सकते हो. यहाँ पे एक दिया हुआ है, ठीक है, तो पिक्चर होगी घटाम और मंचरक की. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट एक्टिविटी. सो या नेक्स्ट एक्टिविटी, सो दिस इज द नेक्स्ट वन, एक्टिविटी 13.2. सो एक्चुअली दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. सो टेक, लेट्स रीड इट आउट फर्स्ट. टेक 6-8 बाउल्स और टम्बलर्स, मीन्स आपको 6 या 8, मीन्स 6 और 8 आपको बाउल लेने हैं, टम्बलर ले सकते हैं. बाउल मतलब कटोरी, टम्बलर्स मतलब क्या होता है, ग्लास. ठीक है, आप कटोरी भी ले सकते हो, ग्लास भी ले सकते हो, आपकी मर्जी. ठीक है, आपकी मर्जी. फिल देम विद वाटर, वेट, या फिल देम विद वाटर अप टू डिफरेंट लेवल्स इंक्रीजिंग ग्रेजुअली फ्रॉम वन एंड टू द अदर. मतलब जैसे इसमें आपको पिक्चर में देख सकते हो कितने ग्लास रखे, पहले काउंट कर लेते एक बार हम. ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 ग्लासेस है. दीज आर द ग्लास मीन्स टम्बलर्स विच दिस बॉय हैज, विच दिस बॉय हैज टेकन. ओके, सो ये कुछ टम्बलर्स दिए इस बच्चे ने. तो अभी इसमें क्या करना है, देखो आपने एक चीज़ नोटिस की, इसमें इसमें सबसे ज़्यादा पानी है, इसमें उससे थोड़ा सा कम, इसमें उससे भी कम, इसमें उससे भी, इससे भी, इससे भी. तो ये क्या है ना, ऐसे आपको मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको ये इनमें पानी आपको पोर, मतलब इसमें पानी आपको डालना है. ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में. ओके देन नाउ टेक अ पेंसिल एंड स्ट्राइक द बॉल्स जेंटली. अब बॉल्स जो भी आपने चीज दी है, जो भी बॉल्स ये तो बॉल्स, अगर आपने वो टम्बलर्स दिए तो टम्बलर. ठीक है, अभी आपको उन सबको पेंसिल से मार के देखना है, मार के. ठीक है, पेंसिल से आप एक बार उनको स्ट्राइक करके देखिएगा, इतना आराम आराम से, इसमें तोड़े मत देना उनको. ठीक है, फिर पेरेंट्स चिल्लाएंगे. ओके, स्ट्राइक ऑल ऑफ देम इन सक्सेशन, मतलब सबको सक्सेशन मींस, या सक्सेशन यहाँ पे एक वर्ड है जो लिटिल बिट हार्ड है. सो सक्सेशन मींस जैसे एक ऐसे नहीं कि देखो ऐसे मत मारना जैसे ये मारा कभी, ये कभी मारा, फिर ये मारा, फिर ये मारा, ऐसे नहीं करना. सक्सेशन मींस पूरे ऑर्डर में करना है आपको. पहले देखो, पहले छोटे स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ पे, 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 ऐसे लाइन से मारना है, कुछ भी मत मार देना. ठीक है, या तो चलो आगे बढ़ते हैं. ये रहा, तो यू विल हियर द प्रेजेंट साउंड. फिर आपको मतलब अगर आप ऐसे मार के पूरे ऑर्डर में देखोगे तो मतलब आपको बहुत ज़्यादा ही एकदम प्लीजेंट साउंड, एकदम अच्छी साउंड जो मतलब सुनने में बहुत अच्छी लगती है. तो मतलब इसमें बहुत अच्छी साउंड आएगी आपको. दिस इज योर जल तरंग. सो रेडी हो गया आपका जल तरंग. ओके, सो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक ऐसे ही बनाया, मतलब इसके लिए दूसरा इंस्ट्रूमेंट होगा, नहीं. जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे बड़े बड़े जो भी मतलब भजन वगैरह रहते हैं जो करते हैं, तो वो भी ऐसे ही मतलब ये बाउल्स लेते हैं, ये टम्बलर्स लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हो. ठीक है, तो ऐसे फिर आपको ऐसे करना है, वो भी ऐसे यूज करते हैं. ठीक है, तो वेट, अभी हमारी एक्टिविटी हो चुकी है.
सो लेट्स डू इट इन रियल लाइफ. ओके, रियल लाइफ में क्या है, करते हैं ना ज्यादा मजा आता है. ठीक है, सो करते हैं. सो हियर वी आर अगेन विद अ न्यू एक्टिविटी. या सो वी आर व्हाट वी आर डिस्कस्ड, वी आर डिस्कस्ड दैट द क्लासेस शुड बी इन ऑर्डर, ओके, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. सी हियर आई हैव टेकन वेन फुल वन, मींस नॉट दैट मच फुल बट ओके, देन द स्मॉल वन, ओके, दिस little bit small from that, this one also, this and this one very small. Okay, so these are the classes and I have taken a pencil. Okay, so let's what it is said that we can take bowl also and tumbler. So I have taken a tumbler. Okay, so let's again do that. Okay, ready? Did you hear that sound? Well, great. Here, that it means too much. If see, I have done it from here. Let's do it from there. Too much good sound. So this activity only this much is there. Means if the vibrate, means it vibrates also. And what is the name of this instrument? Jaltrang. Okay, Jaltrang is the name of this instrument. So only this much activity. Okay, thank you. So actually this activity we have performed in the real life. So let's read this box one. Okay, when we pluck the string of an instrument like the sitar, the sound that we hear is not only that of the string. Okay, so ye idhar aapko samajhna padega ki jab bhi agar hum log sound ko khinchte hain. हाँ, एक मिनट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि जो हम लोगों ने वेट जो इस एक्टिविटी जो हम लोगों ने किया था, जो अभी मैंने अब रियल लाइफ में परफॉर्म किया ये एक्टिविटी को, ठीक है, एक्टिविटी को जो मैंने रियल लाइफ में परफॉर्म किया, तो आप सब बताना जो उसमें साउंड आई थी जल तरंग की वो कैसी थी. ठीक है, कैसी आपको लगी साउंड. ओके, या सो देखते हैं. तो हम इस बॉक्स पे थे, तो जब भी अगर हम लोग कोई भी इंस्ट्रूमेंट की जो स्ट्रिंग रहेगी, अगर कोई भी स्ट्रिंग अगर हम खींचेंगे, जैसे सितार की ले लो, यहाँ पे सितार एक एग्जांपल दिया है, सितार के अगर हम लोग खींचेंगे स्ट्रिंग, द साउंड दैट वी हियर इज नॉट ओनली ऑफ स्ट्रिंग, मतलब जो साउंड हम सुनते हैं सितार की वो सिर्फ स्ट्रिंग की नहीं है, वो सिर्फ जो स्ट्रिंग रहती है उसकी नहीं है. वेट अ मिनट, या एक्चुअली या वी आर हैविंग द सितार समवेयर, या आई थिंक सेट अप, सो लेट्स सी, आई थिंक सो वी आर हैविंग, या वी आर हैविंग इट, या सो दिस इज दैट माता जी का सितार, राइट, या सो दिस इज द सितार. ओके, जो एक्चुअली हम, वेट अ मिनट, सॉरी एक्चुअली फॉर द डिस्टर्बेंस, या सॉरी एक्चुअली, या वी आर डूइंग हियर. So the sitar, when these are the strings, okay, these are the strings, when we just uplift the strings, means जब भी हम लोग इन स्ट्रिंग को ऐसे ऐसे बजाते हैं ना, ठीक है, तो सिर्फ वो मतलब क्या है, जब वो जो हम लोग जो साउंड आती है वो सिर्फ स्ट्रिंग की नहीं होती, जो साउंड आती है सिर्फ स्ट्रिंग की नहीं होती, तो देखते किसकी होती है, द होल इंस्ट्रूमेंट इज फोर्स टू वाइब्रेट, पूरा इंस्ट्रूमेंट की आवाज होती है, एक्चुअली पूरा इंस्ट्रूमेंट हिलता है उससे. जब भी देखो अगर हम सितार को बजाते हैं तो सिर्फ मतलब सिर्फ स्ट्रिंग नहीं हिलती, सिर्फ स्ट्रिंग की साउंड नहीं आती, पूरे इंस्ट्रूमेंट की साउंड आती है. ओके, एंड इट इज द साउंड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट दैट वी हियर, और जो इंस्ट्रूमेंट की वाइब्रेशन की साउंड होती है ना वो भी उसके साथ में आती है, ठीक है, उसकी भी साउंड आती है. सिमिलरली व्हेन वी स्ट्राइक द मेम्ब्रेन ऑफ अ मृदगम, मृदगम एक्चुअली क्या है, एक्चुअली ये भी एक ढोलक जैसे ही होता है इंस्ट्रूमेंट मृदगम, जैसे हम लोगों ने ढोलक नहीं मतलब तबला टाइप, तबला भी नहीं होता ढोलक ही होता है, मतलब उसके दोनों चारों तरफ, जैसे एक मिनट हम एक बार तबला के पास चलते हैं, वो हम बुला रहे हैं लगता है, चलो चल के देखते हैं, ठीक है, तो हाँ जैसे ये तबला में क्या रहता है, ये दोनों स्टार्टिंग में इधर का ऊपर ही रहते हैं, बट अगर हम ढोलक की बात करते हैं, एक बार मैं ड्रॉ करती हूँ, प्लीज़ कोई हंसेगा नहीं, हाँ मेरी ड्रॉइंग इतनी अच्छी नहीं है. ओके, सो थोड़ा सा ऐसा 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 होता है, ओके, इस साइड भी रहता है वो सरफेस और इस साइड भी, तो ऐसे इस साइड से बजाते हैं इन दोनों हाथों से, ऐसे ढंग 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 बजाते हैं, ठीक है, ओके, सो हम कहाँ थे, या वी आर हियर, वी साउंडेड अप, या तो मृदगम भी मतलब जो ढोलक होता है ना, ढोलक की जैसे होता है, जब भी हम जो उसकी मेम्ब्रेन को बजाते हैं ना, जैसे मृदगम के मेम्ब्रेन को जब बजाते हैं, द साउंड दैट वी हियर इज नॉट ओनली दैट ऑफ द मेम्ब्रेन, सिर्फ जो साउंड हम सुनते हैं, जो मेम्ब्रेन जो रहती है ना, जो साइड साइड में दोनों जिससे हम बजाते हैं, वो सिर्फ मेम्ब्रेन की नहीं होती है, द होल बॉडी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट,
पूरी मतलब जो पूरा इंस्ट्रूमेंट रहता है पूरा हिलता है, उस पूरे की वाइब्रेट आती है साउंड, ठीक है. और देन व्हेन वी स्पीक डोज इन पार्ट ऑफ अ बॉडी वाइब्रेट, जब हम बोलते हैं तो देखो ये तो हम लोगों ने देख ली सिर्फ इंस्ट्रूमेंट में साउंड्स देखे हम लोगों ने, ठीक है, कि मतलब सिंपल साउंड जो इंस्ट्रूमेंट में कैसे प्रोड्यूस होती है ऑब्जेक्ट्स की देखे. बट अगर हम मैं इंसान हूँ, है ना, आप सभी इंसान ही होंगे क्या है, ठीक है. सो एक्चुअली हम इंसानों में क्या है, जैसे कौन से पार्ट से जो हमारी आवाज़ क्या है निकलती है, तो ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. एक्चुअली बहुत लंबी वीडियो हो गई आई थिंक सो, ठीक है. सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इट फ्रॉम द नेक्स्ट पार्ट, फ्रॉम साउंड प्रोड्यूस बाई ह्यूमंस. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सो आई होप दैट यू विल कमेंट in the comment down below. I hope you like this video, okay, and I hope that you understood also yet too. Yeah, thank you so much. Bye.